This is an ABP Life podcast. Hi, मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP Life podcast पर on the show दूसरी दिवाली. और आज अपनी दूसरी दिवाली के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ रही हैं the beautiful, the graceful, the popular Indian actress बॉलीवुड की, असमीज फिल्म्स की, मराठी सिनेमा की, टेलीविजन इंडस्ट्री की, नॉट ओनली दिस अब तो ओटीटी की भी. यस, सुहासिनी मुले इज विद मी राइट नाउ. और एक और रीजन है जो वो मेरे दिल पर तो राज करती है, दैट नियरली एट द एज ऑफ 60 शी डिसाइडेड टू गेट मैरिड. न सोसाइटी को ऐसे जोर का झापड़ मारते हुए कि भाई जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. सो वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सुहासिनी. थैंक यू. अच्छा, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश चलेगा, बट मेजरली हिंदी रखिएगा. चलिए. या ओके. सो पहली दिवाली हम सभी मनाते आ रहे हैं बचपन से लेके बड़े होने तक एंड ऑल. बट बात करेंगे दूसरी दिवाली की. दूसरी दिवाली बोले तो न्यू बिगनिंग्स इन लाइफ. आपने जब नियरली एट द एज ऑफ 60 डिसाइड किया कि भाई अब मुझे शादी करनी है, ये मेरी एक नई बिगनिंग है लाइफ की, वो दूसरी दिवाली कैसी रही, इसके बारे में आप बताएं. शादी के बाद की पहली दिवाली बहुत अलग नहीं रही, क्योंकि मेरे हिसाब से जो शादी कर ली वही दिवाली है. बस उसी के ही बारे में बात कर रही हूँ कि लाइक हाँ. और सच्ची मैं ये कह रही हूँ कि मैंने एक दफा मेरे हस्बैंड अतुल को कहा, मैंने कहा यार तेरे से शादी करके मजा आ गया, बेचारे को समझ नहीं आया वो क्या बोले. And I hope the feelings are mutual. देखो मैंने पूछा नहीं, कुछ कुछ चीजें पूछी नहीं जाती, कुछ कुछ चीजें अस्यूम कर ली जाती है. अरे भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छी चीज बता दी मुझे. तो आप ये बताइए कि मुलाकात कैसे हुई आपकी आपके हस्बैंड से, और फर्स्ट टाइम किसने कहा कि भैया शादी करनी है? अच्छा, मुलाकात आज के जमाने में नेट पे हुई. ओ, इंटरनेट पे. ओ, वो क्या था कि मैं खास फेसबुक पे जाती नहीं हूँ. मैं और सारे बुड्ढों की तरह हूँ. मैं कहती हूँ यार ना जान ना पहचान, किसके साथ बैठ के 40 लोगों के साथ बात करोगे. तो मैं एक शो कर रही थी. हाँ. और उसमें मेरी एक को एक्ट्रेस थी, उसने कहा सुहासिनी जी आपका फेसबुक अकाउंट है? मैंने कहा नहीं. तो कहने लगे नहीं नहीं कर लो आप, क्योंकि उससे हाँ. काम मिलता है. मैंने कहा क्या कह रही है? कहती हाँ. तो मैंने कहा चल मेरा भी खोल दे. हाँ. अच्छा, उसने खोल दिया. और उसने गलती से मेरी फोटो पोस्ट कर दी. Okay. अब अगले एक साल में मुझे ऐसे अजीबो गरीब ईमेल आने शुरू हो गए कि मैंने कहा भैया मुझे बख्श दे, ये कर दे बंद. हाँ. तो कहती एक दफा भी गया, बंद करना बड़ा भारी जाता है. तो मैंने कहा चल मेरी फोटो हटा दे वहां से. हाँ, हाँ. तो उसने फोटो हटा दी. पर फिर हुआ ये कि वो फेसबुक पे ना वो आता रहता है, डू यू नो सो एंड सो, कुछ आती रहती. तो उसमें एक सजेशन आया अतुल के बारे में, दैट डू यू नो दिस साइंटिस्ट, एंड ही इज, मतलब उसका प्रोफाइल था कि ही इज वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड एन LHC एक्सपेरिमेंट. अब मैंने उसके बारे में पढ़ा था, वो स्विट्जरलैंड में लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर करके एक एक्सपेरिमेंट. तो आप इंटरेस्ट रखती हैं इन चीजों में? हाँ, ऐसे होता है. तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा यार ये फेसबुक बड़ी अजीब जगह है यार, यहाँ तो साइंटिस्ट भी घूमते हैं. मैंने कहा चलो. तो मैंने लिख के पूछा कि ये LHC होता क्या है. तो वहां से बात शुरू हुई. हाँ. और मुझे, एंड वी वर एक्सचेंजिंग कभी ईमेल्स, कभी नहीं, कभी हाँ कभी नहीं, सारा फेसबुक पे. हाँ. और मुझे फेसबुक के इससे समझ में आया कि इज एक्चुअली लुकिंग फॉर समबडी. ओके ओके. तो मैंने कहा मुले कटले यहाँ से, है ना, क्योंकि जहां तक मेरा सोच या मेरा सोच और विचार था यार 60 साल हो गए, अब तो कहाँ किसी बंदे को ढूंढने वाली है. 60 साल में अगर कोई काम का बंदा नहीं मिला तो अब कहाँ से मिलने वाला है. हाँ, हाँ. तो मेरे दिमाग में तो शादी वादी कुछ बिल्कुल थी भी नहीं. हाँ, हाँ. तो पर हुआ ये कि वी वर स्टिल कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन ईमेल. और एक दफा उसने मुझसे पूछ लिया कि कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, क्योंकि उस जमाने में मैं एक सीरियल शूट कर रही थी बिहार में.
हम करके बहुत पॉपुलर सीरियल हुआ है दूरदर्शन, तो हम लोग बिहार में पटना के आगे 6 घंटे, और तो वहां नेटवेट का तो खैर सवाल ही नहीं होता था, सिर्फ मोबाइल चलता था वो भी कभी कभी। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा मोबाइल नंबर दे दो, तो मैंने कहा अच्छी लड़कियां स्ट्रेंजर्स को मोबाइल नंबर नहीं देती। बिकॉज यू सी नेट एक ऐसी जगह है कि इट्स नॉट हुम यू मीट, इट इज व्हाट यू मीट। यस 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 एब्सोल्युटली। कोई भी प्रोफाइल दे देगा, आप कैसे समझ लोगे कि ये जो इंसान है ये जो वो कह रहा है, क्योंकि वो तो मुझे जानता था थोड़ा देख के, चेहरा देख के तो जानते थे, लेकिन मैं कैसे जानू। तो फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा जरा समझदारी का सवाल ये होगा कि जरा नेट पे देख लो कि बंदा है कौन। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि मैंने यहाँ काम किया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैं वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइट पे गई, तो उधर का प्रोफाइल फोटो और फेसबुक का प्रोफाइल का फोटो एक ही था। अच्छा, मतलब आपने भी छानबीन शुरू कर दी पूरी। मैंने पूरा कंफर्म कर लिया। फिर उसके बाद पर फिर भी मेरा काम वाम चल रहा था, मेरे लिए शादी करना एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था। फिर एक बार अतुल का ईमेल आया कि देखो अगर तुम्हें कुछ जिंदगी में बदलाव चाहिए तो वो अपने आप नहीं होगा, वो अपने आप नहीं होगा, तुम्हें कुछ कुछ बदलना होगा और कुछ मेहनत करनी होगा। और कहा कि तुम बहुत खुश लगती हो, बिजी लगती हो, तो ठीक है तुम्हें जैसा चाहिए तुम अपनी जिंदगी गुजारो, और जब चाहिए टाइम मिलेगा तो बात कर लेंगे। तो मैंने कहा यार बंदे ने बात तो बड़ी पते की है। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, मैंने कहा यार बंदे को मिल ही लेते हैं। तो जब कहा कि मिल लेते हैं, तो वो रहते थे उस टाइम ही वाज वर्किंग इन TIFR, जो मुंबई में कोलाबा में, बिल्कुल कोलाबा के एक सिरे पर है, नेवी नगर के भी आगे, उसके आगे सिर्फ समुंदर है। और मैं थी अंधेरे में कुछ 35-40 किलोमीटर दूर। यस यस। तो मैंने कहा, तो कहने लगे नहीं मिलते हैं, तो वो कहीं थाने पे जा रहे थे उसकी बहन के यहाँ दिवाली के टाइम। और उसने कहा कि दिवाली मैं रात अपने बहन के यहाँ रहूंगा और मैं दूसरे दिन गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो हम लोग कहीं रस्ते में मिल लेते हैं। ठीक है। ओके, लेट्स मीट फॉर लंच। मैंने कहा ओके। फिर उसने कहा कि हम एक मॉल में मिलते हैं। मैंने कहा ये सही है, हजारों लोग हैं, रोटी है, बत्ती है। और फिर मैंने क्या, मैंने फिर सोचा कि, फिर मैंने कहा यार जब ये आदमी बहुत सीरियस है, ही इज कम्प्लीटली अपफ्रंट कि वो किसी को ढूंढ रहे थे, राइट? तो मैंने कहा यार जाने के पहले अपने दिमाग की जरा सेटिंग क्लियर कर दे। तो मैंने एक तो दोस्तों को फोन किया, मेरा एक दोस्त था कलकत्ते में, मैंने कहा क्योंकि उसकी पत्नी गुजर गई थी और उसने दूसरी शादी की थी, तो मैंने जौगा से कहा, मैंने कहा यार क्या लगता है? तो उसने कहा देख सुहास, जैसे उम्र बढ़ती जाती है अपने दोस्त कम होते जाते हैं, अपने जान पहचान के जो पूरे जो लोग है उसकी पूरी रकम जो है वो संकीर्ण होती जाती है। तो अगर तुम्हें कुछ लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग है मिल लो, मिलने में क्या जाता है, अगर लगा कि नहीं ठीक नहीं है गड़बड़ है तो नहीं कहने में कितना टाइम लगता है। ये भी बात सही थी। तो जी मैंने फिर सोचा कि अच्छा अब अगर बात और आगे बढ़ती है, और तो मुझे क्या क्या चीजें हैं जो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, क्या क्या चीजें हैं जो बात करके एडजस्ट किया जा सकता है। आखिर अगर दो लोग मिलेंगे भी, अगर बात आगे भी नहीं बढ़ी, लेकिन अगर आपको सिर्फ बात ही करनी हो तो भी कुछ तो जो है, कुछ तो आपके जो परिधि है या पैरामीटर है वो जगह पे होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या क्या चीजें नहीं चलेंगी। तो मैंने कहा जो नहीं चलेगा वो है इनइक्वालिटी, क्योंकि मैंने इतने सालों शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कहीं कोई मिला नहीं जो मुझे अपने स्तर पर वाकई में हर एक डिपार्टमेंट में समझे। तो मैंने कहा ये तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। अगर मुझे लगा कि बंदा कहता है कि मर्द ज्यादा अच्छे हैं, तो मैं कहता हूँ चलो नो थैंक्स, राइट? दूसरा और क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी।
तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर वो बहुत धार्मिक है, धर्म में मानना एक है, अलग धार्मिक होना अलग चीज है, क्योंकि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे प्रभाव करता है, yes. है ना, इसलिए. और फिर मैंने कहा मान लो बंदा वेजिटेरियन है, मैंने कहा वेजिटेरियन है मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं छोड़ूंगी. लेकिन अगर वो कहेगा हाय हाय तुम लोग मटन कैसे खाते हो, मैं चली था है ना. तो मेरे ख्याल ये शायद उम्र की वजह से इतनी सोच इतना क्लियर था. यस ऑब्वियसली क्योंकि कम उम्र में जो है लोग बहुत सारी चीजें गैर अंदाज कर जाते हैं, कहते हुए नहीं नहीं चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी लेकिन इंसान नहीं बदलते. Obviously. इंसान का जो एक मूल है वो नहीं बदलता है ना, वगैरह वगैरह. तो फिर मैं 15 मिनट लेट गई. अगर बेंच पे बैठा हुआ बंदा और वो प्रोफाइल की फोटो एक ही है तो मैं हेलो बोलूंगी, नहीं तो मैं बोलूंगी मैं क्या करूं मुझे शूटिंग का, ये डेड है डेड है, मैं बन गया बोलूंगा. तो जो बेंच पे बंदा बैठा था वो वही था. मैंने कहा चल. फिर उसके बाद खाना खाने के लिए तो वहां पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था जिग्स कार्ला का. तो उसने कहा यहाँ पे खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया है. मैंने कहा है ये बंदा सिर्फ हिंदुस्तानी खाना खाता है. तो फिर उधर जगह नहीं थी तो उसने कहा अब क्या करे, तो ही सिर्फ की पैन एशियन खा ले. मैंने कहा चलो ये सिर्फ हिंदुस्तानी खाना नहीं खाता और चीजें भी खाता है वगैरह वगैरह. एक लंबी लिस्ट थी, टिक मार्क होता गया. पर मेरा ख्याल एक बार कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग मैं यहाँ अंधेरी से उसके घर नेहरी नगर तक गई. उस टाइम हमने कुछ 1.5-2 घंटे बातें की हर चीज के बारे में. हाँ, आसमान से लेके पाताल और उत्तर से लेके दक्षिण और उत्तर से लेके दक्षिण और यहाँ से सारी बातें की. तो मुझे लगा नहीं यार ये बंदा जो तुम कहते हो वो ध्यान लगा के सुनता है और अगर डिसएग्रीमेंट है तो बात करने को तैयार है. ये नहीं है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो और या तो तुम मेरी बात मानो या मैं तुमसे इसके ऊपर बात ही नहीं करूंगा. मैंने कहा यार फिर तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है. बात बहुत जल्दी आगे बढ़ गई. और तुम पूछ रही थी प्रपोज के बारे में. तो हुआ ये कि हाँ, तो मैंने कहा भैया अभी अच्छी बच्ची हूँ, माताजी का टिक मार्क चाहिए मेरे को. ठीक है, 60 साल की हुई तो क्या हुआ मेरे माँ के लिए, तो मैं उसकी बेटी हूँ, बच्ची हमेशा रहेंगे. तो माँ मेरी थी वो पूना आई हुई थी, दिल्ली में रहती थी वो, पूना आई हुई थी. और यहाँ पे इत्तफाकन ऐसा हुआ कि अतुल की भी मीटिंग पूना में थी. तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है. तो मैंने मेरी माँ से कहा, अच्छा पहले तो मैंने अपने माँ को फोन किया और मैंने कहा यू नो आई थिंक आई फाउंड अ मैन. तो माँ का क्या रिएक्शन था? सामने बिल्कुल थोड़े देर के लिए बिल्कुल सुनसान सन्नाटा हो गया. हाँ, सन्नाटा जिसे कहते हैं. उसने कहा यू मीन यू फाउंड अ मैन मैन. कहती है कि तुम्हारे 4,440 दोस्त आते रहते हैं जाते रहते हैं. हाँ, ये अलग है. मैंने कहा हाँ. कहती है अच्छा. मैंने कहा तुम पूना आ रही हो तो इसे मिल लो. कहती है हाँ बिल्कुल मिलूंगी उससे. तो मैंने क्या किया, मैं इन सब मामलों में बड़ी काइयां हूँ. मैंने क्या किया, 31 दिसंबर था तो हम एक रेस्टोरेंट लेके गए, वहां ले बैंड बज रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. मैंने दोनों को टेबल के एक तरफ बिठा दिया, मैं आराम से दूसरे टेबल पर बैठ के गाना खा रही थी, ये लोग बात कर रहे थे. जितने का सवाल पूछने पूछ लो जो भी है. पर मेरे माँ ने उससे एक सवाल पूछा जिससे वो बहुत प्रभावित हुई. उसने कहा तुम शादी क्यों करना चाह रहे. तो उसने कहा कि देखिए सुहास की उम्र 60 की है, मैं 65 का हूँ, हम अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं है, उसने भी रही है वो 60 साल, मैं भी जिंदा रहा हूँ 65 साल. लेकिन अगर हम दोनों को खुशी का अगर मौका मिलता है तो मौका क्यों ना दे. और अगर बात नहीं बनी तो शी इज मच्योर इनफ, आई एम मच्योर इनफ, बोलेंगे कि भैया कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, बात नहीं बनी, अच्छे इंसानों की तरह सलाम जवाब करके चले जाएंगे उस पर. लेकिन हम कोशिश ही ना करें खुशी के लिए तो ये तो बहुत गलत होगा. गलत होगा. महाराज जी को यह जवाब बहुत अच्छा लगा. Impressed. हाँ, तो उसने तो बड़ा टिक मार्क मार दिया.
अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग वापस वापस आ गए, ये वो, और मैं कहने लगी अब क्या करें कैसे शादी का। तो उसने कहा अरे भैया उसने तुमसे पूछा भी है कि तुम शादी करोगी या नहीं। मैंने कहा उसने तो नहीं पूछा मुझे। अरे तो मैं गाड़ी में जा रही थी शूटिंग के लिए, मैंने फोन किया उसे, मैंने कहा अरे मेरी माँ पूछती है कि तुमने मुझे शादी के लिए पूछा नहीं यार। कहता अरे हाँ शादी करते हैं ना। मैंने कहा बस ठीक है हो गया। तो मैंने फोन छोड़ दिया, जा रही थी शूट पे, मुझे काम था। तो इस तरह हो गया, वाह, आपकी दूसरी दिवाली की शुरुआत तो हो गई कहना चाहिए, द न्यू बिगनिंग। यस, तो जानना चाहोगे कि आप दोनों को दिवाली मनाने का मतलब शौक है, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है दिवाली पर? मेरे ख्याल दिवाली में पसंद जो होता है वो शायद उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। एब्सोल्युटली, बचपन में पटाखे अच्छे लगते हैं, दिए अच्छे लगते हैं, नए कपड़े अच्छे लगते हैं। अब जो है दिवाली के समय मुझे जो अच्छा लगता है, एक तो घर साफ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, घर साफ मैं रखती हूँ लेकिन कुछ ज्यादा सफाई हो जाती है। और दूसरा है कि अभी भी क्योंकि फटाके वटाके तो छोड़ दिए बचपन, एक तो था बचपना है वो, मुझे लोग कहते थे लेकिन मुझसे मत पूछो, मुझे बॉम्ब वॉम्ब लगाना अभी भी अच्छे लगते हैं। लेकिन पूरा जो एक माहौल चला है कि हम जो फटाके जलाते हैं उसके पीछे एक्सप्लॉयटेशन क्या है, यू नो, पूरे बच्चों के साथ जो होता है, शोषण होता है बच्चों का ये बनाने में, तो एक पूरा माहौल चला, प्लस एनवायरमेंटल इश्यूज तो है ही कि आप, क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, वहां तो आपको दो दिन तक सांस नहीं लिया जाता था, लोग इतने हाँ, तुम नोएडा में रहते हैं तो तुम्हें तो पता है, तुम्हें वो सांस नहीं ली जाती यार दो दिन तक। Yes. तो वो तो हमने छोड़ दिया। तो लेकिन अभी भी दिए लगाते हैं, बत्ती लगाते हैं, कंदील लगाते हैं, पूरा घर जगमग करते हैं दो दिन तक, है ना, दिवाली और भाई दूज तक। Yes. और फिर उसके बाद थोड़ी बत्तियां बंद कर देते हैं, लेकिन मेरा एक लैंटर्न जो है वो जलता है नए साल तक। वाओ, न्यू ईयर तक, अरे वाह, क्योंकि बीच में क्रिसमस भी आ जाता है, है ना, बीच में और त्योहार भी आ जाते हैं, और फिर 31 दिसंबर हो जाता है, 1 जनवरी, तो 2nd, 3rd, 4th जनवरी वो लैंटर्न बंद हो जाता है। ये है दिवाली। Yes. अच्छा, अब बात करना चाहूंगी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी ने ही बनाए हैं, पता नहीं किसने बनाए हैं, लेकिन जो उन्होंने बना दिए हैं और लोगों ने खुद को उसमें बांध लिया है, बट यू आर सच अ वुमन, सुपर वुमन आई विल कॉल यू, जिसने स्टीरियोटाइप्स जो है ना उनको तोड़ा सोसाइटी के हिसाब से अगर हम कहें। वैसे आपने बिल्कुल नॉर्मल काम किया, बिकॉज ये होना चाहिए, नॉर्मल है, बट सोसाइटी ने चूंकि ऐसे नॉर्म्स बना दिए हैं तो हमें ये थोड़ा बिल्कुल हटके और यूनिक लगने लगता है कि नहीं ये तो कुछ हमने अलग कर दिया है, बट दिस इज नेचुरल एंड नॉर्मल। लेकिन आप चूंकि सेलिब्रिटी हैं तो आपके लिए ये आसान रहा करना, या अगर हम कॉमन मैन के लिए बात करें वो शायद इतना हिम्मत ना ले पाते हो, तो आपका इस पर क्या कहना होगा? नहीं, मेरा ख्याल सेलिब्रिटी होना तो एक तरीके से ज्यादा दिक्कत का काम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें आपके ऊपर उंगली उठाने का हक है। यस, ना, आप कपड़े क्या पहन, अच्छा खैर मैं तो अच्छी बुड्ढी हो गई हूँ तो मेरा इतना स्क्रूटनी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने कपड़े क्या पहने, उसमें आपने यही साड़ी पहनी थी, अरे मुझे याद नहीं यार मैंने उस डिनर पे वही साड़ी पहनी थी, पर किसी को तो याद है ना, तो आपके पास दूसरी साड़ी नहीं है, आपने क्या अपने सहेली की साड़ी बॉर्डर की, अरे भैया मेरी सहेली उससे नहीं साड़ी लूंगी तो और किससे साड़ी लूंगी। हाँ। जैसे मुझे याद है ऐश्वर्या ने जया बच्चन की साड़ी क्या पहन ली थी, अरे उसके ऊपर 40 फोटो आ गए, उसकी सास रखती है, अपने सास की साड़ी नहीं बोरो करेगी तो किसकी करेगी करेगी। सेलिब्रिटी होने से चीजें आसान नहीं होती, ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जहां तक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, अब क्या कहूं, मैंने तो नॉर्म्स बहुत पहले तोड़ दिए थे ना, 60 साल की उम्र में थोड़ा ना, 60 साल की उम्र में तो मैंने शादी करके फिर उसे नॉर्म में वापस आ गई। Yes. है ना, तो 60 साल तक तो अपन अल्लड़ घूम रहे थे ना, और मुझे लोग तो बहुत कहते थे कि तुम्हारे, मेरी माँ को कहते थे तुम्हारी बेटी के तो लगाम ही छूट गई है, तो मेरी माँ ने बोला तेरे में हिम्मत है तो पकड़ भैया मैं ना पकड़ू। है ना, तो सोसाइटी के नॉर्म्स आई थिंक तोड़े जाते हैं, और एक तरीके से मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरी माँ जो थी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। उसका आई गेस बहुत फर्क पड़ता है,
नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए जब मैं 5 साल की थी और हम तीन बहनें थी और माँ ने तीनों बहनों को छोटे से बड़ा किया है, तो वो एक बहुत ही अलग, थैंक्स, एक बहुत ही अलग नजरिया आ जाता है. सॉरी एक मिनट. या श्योर श्योर. बहुत ज्यादा बोल रही हूँ. तो हाँ, तो सोसाइटी के नॉर्म्स, कुछ लोग तो हाँ कहते हैं कि ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी और ये मैं तोड़ूंगी. मेरी माँ ने सिर्फ मुझे, मेरे ख्याल मैं 25-26 साल की थी, उसने सिर्फ मुझे एक सवाल पूछा, शादी करनी है ना करनी है? मैं किसी को ढूंढू? नहीं, तू किसी को ढूंढ लेगी? मैंने कहा, कहती सोच ले. मैंने कहा, कहती ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन ये जरूर है कि अगर तुमने ये ठीक किया है कि तुम अभी शादी नहीं करोगी या करोगी ही नहीं, तो तुमने एक जिंदगी का बहुत मुश्किल रास्ता लिया है. तुमने जो रास्ता चुना है अपने लिए वो आसान नहीं है, इतना याद रखना. और अगर मेरी जरूरत पड़ी तो बोल देना, लेकिन भैया अगर तू 40 साल की होगी और तूने शादी नहीं की, फिर मैं तेरे लिए लड़का ढूंढने नहीं निकलने वाली. मैंने कहा ठीक है, डन. राइट. तो सोसाइटी के नॉर्म्स तो टूटे, बहुत तोड़े, पर जब मैं कर रही थी तो मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसे कुछ बहुत बड़े काम कर रही हूँ. लोग बंध जाते हैं क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है. मेरे लिए शायद प्रेशर मेरी माँ ने ज्यादा दिया, क्योंकि लोग मेरे से तो बात करने की हिम्मत करते नहीं थे, क्योंकि मैं तो बहुत टेढ़े जवाब दे देती थी, है ना. क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर रही, मैंने कहा तेरा बेटा लायक नहीं है इसलिए नहीं कर रही. क्योंकि इतना समझाओगे कि मुझे नहीं करनी है, वो मानने को तैयार नहीं भाई. तो मैं तो यही कहती थी कि जी आपका बेटा करने लायक है नहीं, तो आप क्यों पूछ रही है सवाल, छोड़ दीजिए. तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो बहुत, मुझे तो कहते थे कि तुम बहुत जलील लड़की हो. मैंने कहा मैं तो तब से गिरी हुई हूँ, आज थोड़े ना गिर रही हूँ, है ना. तो माँ ने ज्यादा प्रेशर लिया इसका, क्योंकि उसके कलीग्स कहते थे, अच्छा फिर ये तो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, बेटा वो फलाना फलाना आया है, तुम्हारी जो सहेली है वो आई है, उससे जाके मिल लो. यानी उसका कोई भाई होगा या भाई का कोई दोस्त होगा. तो मैं तो कहती थी मैं उस सहेली से जाके बिल्कुल मिलूंगी, अगर आसपास कोई मर्द हो तो उसे बोल देना मत आना यार मेरे सामने, मैं कुछ उल्टा बोल दूंगी बेचारा, उसको पता भी नहीं होगा आप क्यों कर रही हैं, रहने दीजिए. सो ये हुआ. यस. अच्छा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आज भी अपने दिल के जो फैसले हैं ना उनको अंदर ही अंदर दबाते हैं, सोसाइटी की वजह से बेचारे अपने सारा मन मार के फैसले लेते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, उनको सुहासिनी मुलय क्या कहना चाहती हैं, उनको भी जो हर चीज को उम्र से जोड़ देते हैं, आपके लिए क्या परिभाषा है उस चीज की? तुमने दो सवाल पूछे इसलिए मैं अलग अलग जवाब दूंगी. देखिए उम्र की परिभाषा जो है बिल्कुल है, और मैं कहती हूँ कैसे. लोग कहते हैं कि फलाना फलाना उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए. हाँ, आपको बच्चे चाहिए हैं तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है. अगर एक औरत को बच्चे चाहिए, मर्द को वो बायोलॉजिकल क्लॉक जरा लंबी पड़ती है, लेकिन औरतों के लिए 30 साल की उम्र के बाद बच्चे होना थोड़ा मुश्किल. ऐसा नहीं कि नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल है. तो अगर आपको लगता है कि अगर आपने बच्चे नहीं जने तो आप औरत नहीं रहेंगी, या आपका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, एक और सोसाइटी की चीज, तो फिर ठीक है, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आप नहीं बदल सकते. ठीक है, पर उसके अलावा अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर दूसरा ये होता है कि प्रेशर सिर्फ आप पे नहीं होता. प्रेशर यों पड़ता है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारी छोटी बहन की शादी नहीं होगी. ना, या अगर हम अपनी पहली बेटी की शादी नहीं करेंगे तो बेटे की शादी कैसे करेंगे. हाँ, तो वो एक अलग किस्म का प्रेशर हो जाता है, क्योंकि उसपे सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है लेकिन आपके भाई बहन की जिंदगी है जिनको आप बहुत चाहते हैं. ठीक है, उस प्रेशर में आके भी लोग शादी कर लेते हैं.
अब मेरा ये कहना है कि मुझे शादी से कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा ये है कि आप किन हालात में शादी कर रहे हैं और जहां आप शादी करके जाते हैं वो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आखिर एक लड़की अगर नई ब्याही किसी घर में जाती है, सब समझते हैं कि एक दिन में वो अपने माँ बाप जिसने उसे 19-20 साल तक जन्म दिया है, बढ़ाया है, पढ़ाया है, उसको भूल जाएगी और दो नए बंदे जिनको वो जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, उनको माँ बाप बना देगी। दिस इज अनरियलिस्टिक, वो नहीं होता। वो नहीं होता, ना हो सकता है। और ये आशा रखना ससुराल की तरफ से मेरे हिसाब से क्या बोलूं, बेवकूफी बेवकूफी के अलावा आप क्या बोलोगे? क्योंकि क्योंकि जो सास है उसने भी एक जमाने में भी यही फेस किया होगा। उसके बावजूद अगर वो ये चाहती है तो फिर बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं करती। तो सवाल ये नहीं है कि शादी किस उम्र में की जाए या नहीं की जाए, या कोई सही तारीख है शादी की। मैंने तो एक तो कहा बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपको अगर बच्चे चाहिए और बच्चे जन्ने हैं और उसके अलावा आपको लगता है कि आप पूरे इंसान नहीं है तो एक हिसाब है। लेकिन ये करना और फिर लोग क्या कहेंगे, तो भाई मुझे तो सिर्फ एक याद आता है, वो एक बहुत पुरानी पिक्चर थी अमर प्रेम, उसका एक बहुत पुराना गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेकार की बातों में भीग गए तेरे, है ना। तो आप अगर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसलिए मुझे करना है, तो आपने गलत क्या किया? क्या आप किसी को लेके भाग गई जिसने आपको छोड़ दिया? और अगर ये हुआ भी तो लोग तो बोलेंगे, तुम भले उसके बाद कितना अच्छा हो जाओ, उसके बाद हर आते जाते इंसान के पैर क्यों ना धोते रहो, लोगों की जबान तो बंद नहीं होती, सुबह सुबह है और उन बोलने में कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा जो दुखता है वो अगर कोई फिजिकली मारे तो एक दुख होता है, लेकिन जो जबान की जो मार होती है ना वो बहुत गंदी होती है, बहुत ज्यादा। वेल सुहासिनी, अगर बोलो जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैंने कहा अगर आप इस हिसाब से जिएंगी कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये तय कर लीजिए कि आप जो आप हैं उसको आप बिल्कुल गाड़ देंगी, जिंदा नहीं रखेंगी। हाँ, और जो समाज ने आपको करने को कहा है आपको करेंगे। अगर उस चीज की तैयारी है तो ठीक है, लेकिन 35 साल शादी के बाद फिर मत कहना कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तुमने ऐसा होने दिया। Absolutely, absolutely. उसके जवाबदारी तुमको लेनी पड़ेगी। Yes, किसी ने किया नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। Yes, absolutely. बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके सुहासिनी जी। लेकिन एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि आपके सपनों का भारत आप कैसा देखती हैं? बिकॉज 75 ईयर्स हमने इंडिपेंडेंस के भी पूरे किए हैं, देखते ही देखते बस 25 ईयर्स मोर और 100 साल आजादी के हम पूरे करेंगे, बट सुहासिनी मुले के सपनों का भारत कैसा है? सुहासिनी मुले के सपनों का भारत अगर तुम सुनोगी तो एक तो मुझे लगता है कि इंसान की जो जाति है उनको समझ लेना चाहिए कि ये पृथ्वी सिर्फ इनकी नहीं है। इस पृथ्वी पे हजारों करोड़ों और जन जनता, जानवर, फूल पत्ते, समुंदर, मछलियां रहती हैं और हम सिर्फ उनमें से एक हैं। अगर हम ये नहीं समझेंगे और उसके साथ तालमेल में चलने की तैयारी नहीं रखेंगे तो जो अब हो रहा है वो होगा। बिल्कुल, बाढ़ आ रही है, किसी भी टाइम बारिश आती है। yes. किसी भी टाइम, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, जहां जहां बारिश नहीं आई। और मुझे याद है कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एक जो देश था जो बिल्कुल एक टापू है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने समुंदर में खड़े होकर बोला कि यहाँ मेरा घर होता था। yes. और हम फिर भी नहीं समझते
क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ नॉट जस्ट ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड की भी सब स्पीशीज में हम सोचते हैं भैया यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो सपनों के भारत क्या, सपनों का प्लैनेट जो है अगर ये सोचे तो आई थिंक वी वुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे। दूसरा कि आज के जो हालात हैं, जिस तरह के जोर जबरदस्ती में हम लोग रहते हैं, फिर वो पहरावन हो, फिर वो धर्म हो, फिर जाति हो, अगर हम इसी दौर में चलते रहे तो भारत बचेगा नहीं। आई एग्री। या जिस भारत को हमें बताया गया था, मेरे माँ ने बताया गया था, समझाया था, या मेरी जो समझ पढ़ा भी है वो खत्म हो, पढ़ा तो खैर है ही, लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसमें से कितना खुद के ऊपर लागू करते हैं। और जहां तक जब, और एक चीज मुझे लगता है लोगों को समझ लेनी चाहिए, और ये पति पत्नी के रिश्ते में हो सकता है, वो अलग धर्म के रिश्ते में हो सकता है, कि हम जो भी चीज जबरदस्ती करते हैं, जो भी जबरदस्ती करते हैं, इट इज नॉट, ये एक कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई सोशल नॉर्म्स की बात नहीं है, ये पावर की बात है। यस, इट्स अ मैटर ऑफ पावर, है ना। क्या उसको हिंदी में क्या शब्द है, अभी आएगा, अभी मैं भूल गई। तो ये सिर्फ पावर जताने की बात है। आज अगर आप, आज के चर्चा अगर आप, चर्चित जो भी चल रहा है, अगर आप ले हिजाब का पूरा चल रहा है, हिंदुस्तान में लड़कियां हिजाब पहनने के लिए लड़ रही हैं, ईरान में औरतें हिजाब उतारने के लिए लड़ रही हैं, पर वो हिजाब की बात ही नहीं है, वो बात है पावर की। जब आपके ऊपर कुछ जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती आपको कहा जा रहा है ये करना है, तो लोग विरोध करेंगे। Absolutely, ma'am. वो कोई भी, फिर वो कोई भी एरिया हो, फिर वो धर्म हो, वो जात हो, दलित हो। अब देखिए आप हिंदुस्तान में, मैं समझती हूँ कि 100 साल बाद अगर हिंदुस्तान में हम लोग एक चीज हासिल कर लें, वो है आज भी 15 लाख लोग रोज सुबह दूसरे आदमी की टट्टी और मूत सर पे टोकरी रख के काम करते हैं। Still have 15 lakh people in India doing that. 15 लाख लोग हैं। और जितने सफाई कर्मचारी हैं, आप किसी को गटर में बिठाओ तो हमारे यहाँ तो ओपन डेफिकेशन होता है। ऐसा तो होता नहीं कि सबकी लैटरीन है, और लैटरीन जाके गिरता किसमें, उसी सुएज में जिसमें हम आदमी चढ़ाते हैं। यही अगर भारत, जिस दिन ये भारत ये नहीं करेगा, जिस दिन ये भारत इससे मुक्त हो जाएगा, तो भारत जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन भारत में करप्शन, और पता है यहाँ रहो ना तो हमें इतनी आदत हो जाती है, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं वियतनाम गई थी, वियतनाम में 1976 की बात है, 75 साल भी नहीं हुई, है ना, 76 साल, 1976 में, है ना, 1976 में गई थी। जब अमेरिका वहां से निकला था, वो देश को तबाह करके निकला था, अभी भी उसके इफेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन दे हैव प्रोग्रेस्ड। बिजली नहीं जाती वहां, वहां इंटरनेट आप चलते फिरते आपको मिल जाता है, लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते? हम अमेरिका, अरे अमेरिका छोड़ो यार, तुम वियतनाम की बात करो, हम नहीं करते। पोटेंशियल एक्चुअली हमारे अंदर है, वो पोटेंशियल हम कर सकते हैं, बस आप क्या कह रहे हो, आप चीजों से निकलना पड़ेगा बाहर। नहीं नहीं, आप दुबई चाहिए, इंडियन वर्कर्स दुबई जाके काम करके 3 महीने में बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये मत कहिए कि करप्शन का मामला है, दुबई कोई कम करप्ट नहीं है।
So, you know, it's not so simple. Anyway, आपने मेरे से बहुत लंबा सवाल पूछ लिया, उसका जवाब बहुत लंबा रहने yes, उसके लिए बिल्कुल कभी एक और मीटिंग शेड्यूल करेंगे, उसके लिए तो एक नए टॉपिक पे बैठ के सुहासिनी मैम के साथ. Well, it was lovely interacting with you, Suhasini ma'am. Thank you so much for taking out time और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हम सबके साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें और इंसिडेंट्स शेयर करने के लिए. मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP Live पॉडकास्ट पर. तो मैम जैसे ही ये प्रोसेस होगा मैं आपको वाया व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दूंगी. ओके थैंक यू बाय. थैंक यू सो मच मैम. बाय बाय. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली टू यू. विशिंग यू एंड सर अ वेरी हैप्पी दिवाली. राइट ओके बाय मैम. बाय. टेक केयर. या टेक केयर.